यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता एल्विश यादव की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। बीती रात एल्विश यादव से सांप का जहर सप्लाई करने के मामले में नोएडा पुलिस ने पूछताछ की। उनसे पूछताछ के दौरान नोएडा के संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद कुलकर्णी ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ की गई है, जिसके बाद अगर हमें और पूछताछ की जरूरत होगी तो उनको फिर से बुलाया जाएगा। को लेकर पूछताछ की गई है और अब तक हमारे द्वारा इस विवेचना में जो साक्ष्य संकलित किए गए थे, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस गैदर किया गया था, उसके आधार पर क्वेश्चन तैयार किया गया था, जिसके आधार पर ये प्रारंभिक पूछताछ जो है एल्विश यादव से की गई है और इसमें हमें आवश्यकता पड़ती है तो और भी इसमें पूछताछ के लिए उसको बुलाया जाएगा। और आज जो हमारे 5 अभियुक्त है इनका पुलिस कस्टडी रिमांड भी कोर्ट को प्रे किया गया है, जिसके आधार पर उनका पुलिस कस्टडी रिमांड में जो पूछताछ में चीजें आएंगी, अन्य जो भी प्रारंभिक पूछताछ में जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है उस इन्फॉर्मेशन को भी क्रॉस वेरीफाई करके आगे फर्दर हम इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे और पूछताछ। इससे पहले नोएडा पुलिस ने रेव पार्टी में सांप के जहर के इस्तेमाल के मामले में FIR दर्ज की थी, जिसमें यूट्यूबर एल्विश यादव का नाम सामने आया था। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को कहा कि मामले की कार्रवाई पर उनका कोई प्रभाव नहीं है और इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि अगर एल्विश दोषी पाया गया तो पुलिस कार्रवाई करेगी। देखिए, अभी ये विषय चूंकि एक नया विषय उठा है, उनके खिलाफ जो एक्शन करना है तो पुलिस ने करना है, हमारा उसमें कोई कहना नहीं है, ना प्लस में ना वाइस माइनस में। जो इन्वेस्टिगेशन होगा, दोष होगा तो जरूर उनको सजा मिलेगी। नोएडा पुलिस ने मामले के सिलसिले में मंगलवार को एल्विश यादव को नोटिस भेजा था।